नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे गड्ढों के बारे में बताएंगे जो कि रहस्यमय है, जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला था जब वो गड्ढे बने। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। शुरुआत करते हैं सिबेरिया के एक गड्ढे से। सिबेरिया के यमल नामक जगह में ये रहस्यमय गड्ढा बना हुआ है। ये गड्ढा 200 फीट गहरा है। ये गड्ढा सिर्फ एक ही नहीं, जबकि आगे चलने पर ऐसे दो गड्ढे आपको और भी दिखेंगे। इसकी जांच रूस के वैज्ञानिकों ने शुरू की और देखा कि गड्ढे का निचला भाग गीला पड़ा था और पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ था। अभी तक इस पर शोध जारी है। सारी सारी नामा, यहाँ गड्ढा भी बहुत ही रहस्यमय है। जी हाँ, जंगलों के बीचों बीच में है ये गड्ढा। यहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग है। इस गड्ढे के अंदर झरने, तरह तरह के पौधे तथा कुछ जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो इंसान को खाते हैं। डोर टू हेल, इसकी कहानी तो कुछ ऐसी है। जब ये गड्ढा लोगों ने देखा तो इस गड्ढे में आग नहीं लगी हुई थी, पर वैज्ञानिकों ने यहां पर मौजूद मीथेन गैस को खत्म करने के लिए इसमें आग लगा दी और वो आग आज तक नहीं बुझी है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन सब लोगों ने इसका नाम डोर टू हेल रख दिया, यानी कि नर्क का दरवाजा। गौटेमेला सिटी का एक गड्ढा जो कि 2007 को बना, जिसके बनने से पहले लोगों को एक भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी थी, पर कुछ दिन बाद ही सिटी के बीच में ही एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से वहां से हजारों लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ा था और आज तक ये गड्ढा रहस्यमय ही है। डीन्स ब्लू होल, बहामास के एक आइलैंड पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा होल। वैसे तो यहां पर बहुत सारे गड्ढे हैं, पर यह गड्ढा सबसे बड़ा गड्ढा है। बहुत रिसर्च के बाद ये पता चला कि गड्ढा 15,000 सालों से यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ पर लोग घूमने और स्विमिंग करने आते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर गड्ढा कहा जाने वाला गड्ढा मिम्मा सिंक होल, यहाँ पर लोग ज्यादातर मस्ती करने आते हैं। यहाँ का पानी बिल्कुल ही नीला और बहुत ही साफ है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।